अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के आज के वायरल चुनावी वचन। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में, तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है? बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। जमीन हो, आसमान हो, या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की फरमार है।